नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनक ने कहा कि जिस तरह से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चंबा जिला के खासकर जनजातीय क्षेत्र भरमौर की अनदेखी हो रही है, उस लिहाज से यही माना जा रहा है कि वर्तमान सरकार जनजातीय क्षेत्र की जनता को कुछ भी नहीं समझती है। विधायक ने कहा कि हर लिहाज से अनदेखी की वजह से चंबा जिले में सरकार के खिलाफ माहौल बनता दिख रहा है। अगर वर्तमान सरकार ने जिला चंबा की अनदेखी बंद नहीं की तो जनता को लामबंद करते हुए सड़कों पर उतरने में देर नहीं होगी। हमारा मकसद केवल एक है कि हम अपने इलाके की सब समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। उस समस्याओं के समाधान के लिए हम बच्चों के बीच भी जाएंगे, स्वास्थ्य संस्थानों में भी जाएंगे और आगे भी जाते रहेंगे। चुने हुए विधायक होने के नाते क्षेत्र की समस्याओं की वस्तुस्थिति जानने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। क्षेत्र और शिक्षक क्षेत्र की बात नहीं है, बिजली विभाग को देख लीजिए, सारे पद खाली हैं। पशुपालन विभाग को देख लीजिए, सारे पद खाली हैं। तो हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे, या तो इन पदों को भरें, या तो जो भरे हुए पद हैं उनको भी खाली करके ले जाएं, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। आज से पहले भी हम इस क्षेत्रों में जिंदा थे, अभी भी हम कुछ समय और काट लेंगे। क्योंकि जब सरकार ने हमारे, मैंने पहले भी कहा आपको कि सरकार की जो वर्तमान स्थिति है, जो हालात है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो जनजातीय क्षेत्र के लोगों के अधिकारों को छीन रही है। हम लोगों को हमारे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी तक तो मुहैया नहीं करा पा रहे। मेरा आप लोगों के सामने पूछना चाहता हूँ मैं सरकार से, सरकार का काम क्या केवल ठेकेदार डंगे ठेके दे देना होता है? सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं है कि संस्थानों में जो पद खाली उनको भरा जाए, जो बसें खराब रास्ते में खड़ी जाती हैं, सवारियों को बसों से उतार दिया जाता है, कंडक्टर और ड्राइवर डिसाइड करते हैं कि बस आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार का हस्तक्षेप केवल इस विषय में कि इसको ठेका दे दो, इसको प्रॉफिट दे दो, इसको काम दे दो, यही काम रहेगा सरकार का केवल। सरकार को गंभीरता से चंबा जिले के बारे में सोचना होगा, नहीं तो चंबा में जो सरकार विरोधी जो माहौल बन रहा है वो हम नहीं चाहते हैं कि वो किसी आंदोलन का रूप ले। हम स्पष्ट तौर पर चेताना चाहते हैं कि अगर चंबा के अधिकारों के साथ, चंबा के लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम चंबा के सब लोग सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। कि इस यात्रा की समय सीमा बढ़ाने से क्षेत्र को आर्थिक तौर पर भी लाभ होगा और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी स्वरोजगार के अनेकों साधन मिलेंगे। तो सैद्धांतिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि इस मांग पर अवश्य विचार करेंगे। तो बहुत जल्द हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होने के बाद हम इस विषय पर पुनः उनसे आग्रह करेंगे ताकि इसकी समय अवधि को बढ़ाया जाए।